हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। आज हम असम रिफल्स के फैमिली फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि असम रिफल्स में जो भी जॉब करते हैं, जो भी ड्यूटी करते हैं, जो भी सर्विस देते हैं, उनके फैमिलीज़ को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और उनको भी क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इन सभी चीज़ों के बारे में। तो पर्सनली क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इन सभी चीज़ों के बारे में तो वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लें। लेकिन उनकी फैमिली को क्या फैसिलिटीज़ मिलती है इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होंगी जिनके घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करता ही होगा, या फिर उनके गवर्नमेंट जॉब में भी असम रिफल्स में भी होगा, जो ऐसे वीडियोस को देख पा रहे होंगे। चाहे उनके भाई होंगे, चाहे बहन होंगी, चाहे उनके पापा होंगे, या फिर मम्मी होगी, या फिर उनके बेटा होंगे, चाहे बेटी होंगी, कोई भी ऐसा हो ही सकता है जो असम रिफल्स में जॉब करता होगा। तो उन सभी उनके फैमिलीज़ के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि देखिए, फैमिली को फैसिलिटी मिलती है जैसे बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं जो आज के टाइम में बहुत ही आकर्षक हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि कैंटीन फैसिलिटी, जैसे कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे जो भी पर्सन काम करते हैं उनके नाम पर भी कैंटीन कार्ड रहता है, लेकिन उनके घर वाले पे भी डिपेंडेंट कार्ड बनता है। तो कैंटीन के फैसिलिटी के द्वारा कहीं भी अपने घर के आसपास में जो भी आर्मी नेवी और उसका जो भी मिलिट्री कैंटीन होगा, वहाँ पर जाकर उस कैंटीन फैसिलिटी से बहुत सारे सामान, ग्रोसरी के सामान, चाहे लीकर जो भी लीकर मतलब शराब होता है, तो ये सारी फैसिलिटी मिलती है, वो सारे जाकर वहाँ से उठा सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये लीकर फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी होती है। फिर आपका मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी में भी अभी जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी आयुष्मान, जो हमें आयुष्मान कार्ड मिलता है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा आप वहाँ पर चिकित्सा करवा सकते हैं, अपने शरीर को चेक करवा सकते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। और अभी बड़ी जो सबसे बड़ी जो हॉस्पिटल्स होती है गवर्नमेंट की, एम्स, उसमें भी हमें जो कोई भी अगर बीमारी होती है किसी को भी घर पे भी, तो वहाँ पर भी जाकर अपना इलाज करवा कर वहाँ पर भी इलाज हो सकता है, वो फ्री में गवर्नमेंट रेट से ही। तो उसमें भी पैसा बहुत कम लगता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद से आपका, जैसे अगर घर में कोई लड़का है फिर लड़की है, जिसका कोई जिसे उनका बेटा या बेटी है, तो वो अगर पढ़ाई कर रहा है, तो अगर टेंथ में, अगर जैसे टेंथ हुआ फिर कोई भी एजुकेशन में आपको फ्री रहता है, मैक्सिमम फ्री रहता है एजुकेशन के लिए, उनका स्कॉलरशिप भी मिलता है और एजुकेशन का उनका पैसा भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट देती है लड़का लड़की को, लड़का या लड़की जो भी हो, उनको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है कि हाँ उन अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर जो नॉर्मल स्टडीज़ होती है उनके लिए भी। और अगर जिनके लड़के जैसे क्लास टेंथ में हो, तो टेंथ में अगर हाई परसेंटेज आ रहा है, 80% प्लस आ रहा है, अगर अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है। उनके सारे पढ़ाई का खर्चा जो होता है वो गवर्नमेंट उठाती है। उन्हें कोई भी अगर बड़ा कोर्स करना हो, या फिर JEE का, या फिर इंजीनियरिंग का, या फिर कंप्यूटर, कोई भी बड़ा बड़ा कोर्स करना रहता है, फिर मैनेजमेंट का है, कंप्यूटर से आपका कॉमर्स का, तो BCA हुआ है, फिर MBA हुआ, फिर कोई भी बड़ा बड़ा जितने भी कोर्सेस हैं जिनके में लाखों लाखों पैसे खर्च होते हैं, तो सारे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट खुद उठाती है अगर परसेंटेज लड़का का या फिर लड़की का अच्छा रहा तो। इन सभी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट फैसिलिटी, जो कि उनके लड़के लड़कियों को भी मिलता है, और उनकी वाइफ को भी फैसिलिटी मिलता है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उनकी वाइफ है, फिर उनके घर के पेरेंट्स जो है माँ पापा, वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से फैमिली को बहुत अच्छी सुविधा मिलती है असम रिफल्स में। जितने भी फैमिली पर्सनल्स हैं, जो भी पर्सन आर्मी पर्सनल है, फिर फैमिली पर्सनल है, उन सभी को बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। समय के हिसाब से सभी फैसिलिटीज़ बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। देखिए, चेंज हुआ तो कुछ कम नहीं होता, हमेशा कुछ इंक्रीज ही होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। अगर जो लड़के लड़कियाँ की प्रिपरेशन भी कर रही होंगी, वो भी देख पा रही होंगी, तो आप इस मजा से पढ़िए कि हाँ, मेरे आने वाले फ्यूचर में जो मेरे घर में जो फैमिली होंगी, जो फैमिली रहेंगे, मम्मी पापा हैं, चाहे जो भी आपका, जो भी अगर आपका शादी होगा, तो शादी होने के बाद जो बच्चे होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट की तरफ से। आपको जो जो पढ़ाई के लिए कहीं रूम भाड़ा नहीं देना पड़ता है, ना कोई एजुकेशन फी, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। जय हिंद।